आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज आ गया हूँ गुड़गांव एक गार्डनिंग इवेंट कैप्चर करने के लिए, और ये ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के यूनिट 42 जो कि गुड़गांव की है वो ये इवेंट कंडक्ट करा रही है। इससे पहले जो हमने देखा था वो गुलमोहर पार्क में था, वो हमने कवर किया था। तो ये जो इवेंट है ये कुछ आप देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कुल अराउंड आप बोल सकते हो कि अराउंड 10-15 स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, फुटफॉल भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, लोग आए हुए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आया हुआ, यूनिक चीज़ें भी मुझे देखने के लिए मिली है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा इस अपने वीडियो में, तो आपको देख के मज़ा आएगा। और इधर जो देखेंगे आपको इफ़्को का है, और भी कई सारे स्टॉल्स हैं छोटे बड़े जो यहाँ लगे हुए हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जो यहाँ की कन्वीनर हैं अनीता मैम, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ है ये इवेंट के बारे में, उसके बारे में फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। नमस्कार अनीश, थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए, कौन है आप? मैं ऑल इंडिया किचन गार्डन की यूनिट 42 की कन्वीनर हूँ, अनीता वाग। और यहाँ हमने ये उद्यान मेला ऑर्गेनाइज किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और इसका करने का उद्देश्य यह है कि हमारी जो किचन गार्डन की जो हमारी मीटिंग होती है उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट से आते हैं। अच्छा। एक्सपर्ट्स, हाँ, और वो हमें किस तरह से हम अपनी छोटी सी जगह में भी किस तरह से हम प्लांट्स ग्रो करें, वेजिटेबल्स ग्रो करें, प्लांट्स फ्रूट्स ग्रो करें। और देखिए हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले भी किया हुआ है कि पॉट में किस तरह से फ्रूट्स ग्रो करें, देखिए लेमन है, ऑरेंज है, बैंगन है। तो ये हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस निर्माण हो, थोड़ा मोटिवेट हो, मोटिवेट हो, बहुत बढ़िया, कि उन लोगों को आश्चर्य लगता है कि पॉट में किस तरह से सब्जी आती है। तो मैम ये फर्स्ट टाइम कर रही हैं ये हमारी यूनिट फर्स्ट टाइम कर रही है। ओके। वैसे दिल्ली में हमारी मेन ब्रांच है ऑल इंडिया किचन गार्डन की, तो वहाँ हर साल में होता है हमारा उद्यान मेला होता है, लेकिन इस टाइम वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमने अपने हर यूनिट के लोगों ने अपने अपने यूनिट का उद्यान मेला किया है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या कुछ मुझे देखने के लिए मिलेगा? मैं अभी भी आया हूँ तो मुझे क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा थोड़ा ये? यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सेल्फ प्रोपोगेटेड प्लांट्स हैं, वो काफी अपने आप ग्रो करते हैं। अच्छा। और जो एक्सेस है वो सबको बांटते भी हैं, और आज हमने इसीलिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि वो लोग आए, अपने एक दूसरे को एक्सचेंज करें, सेल करें और एनवायरमेंट को ग्रीन रखें। तो एक और स्टॉल दिख गया है बहुत ही अच्छा सा, और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, क्या कुछ है मैम थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए एक बार। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट हूँ, केजीए के साथ कई सालों से जुड़ी हूँ। क्या बात है। और अनीता जी और उनकी टीम का तो पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इंक्लूड किया और इतना अच्छा इंतजाम किया। बहुत मतलब हमें बैठने का टाइम मिला नहीं मिला, इतनी पब्लिक आई है एंड कपल ऑफ माई थिंग्स आर सोल्ड। ओके, वो बेस्ट सिचुएशन होता है एक आर्टिस्ट के लिए। क्या कुछ है थोड़ा सा एक दो चीजें मुझे दिखा दीजिए। ये सारे हैंड पेंटेड मैग्नेट्स हैं। ओके। और ये जो हम ब्लॉक्स ब्लॉक प्रिंटिंग में यूज करते हैं। ओके। मेरे पास कारीगर है, मैं उनको उनके साथ मैं काम करके उसको दिए में कन्वर्ट करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो हम इसको दिवाली में यूज कर सकते हैं, फेस्टिवल सीजन है। इस तरह का कभी नहीं दिखा मुझे। हाँ, तो मेरे पास कारीगर है। हाँ, मैं ट्रेडिशनल मोटिव्स भी करती हूँ। हाँ, थोड़े से क्वर्की भी करती हूँ ताकि हर हर तरीके के क्लाइंट की मैं रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकूं। ओके। एंड उसके साथ में ट्रेस का भी कॉम्बिनेशन है। अच्छा। तो जैसे आप ट्रेस हैं उसके साथ में आप दो कोस्टर्स रख सकते हो, आप एक दिया रख सकते हो या एक मिठाई रख सकते हो, तो आपका पूरा एक दिवाली गिफ्ट रेडी हो जाता है। अरे वाह, ये बहुत यूनिक चीज हो गई। यस, तो ये है। एंड मेरे पास गुड़गांव, बॉम्बे और बैंगलोर तीनों जगह पे कारीगर है। हाँ, 25 साल से। अगर कोई मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवा सकता है आपसे? सो मेरा कंपनी का नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, आई एम अलाउड टू टेल माय नंबर? ठीक, हां, आप यू कैन। तो माय नंबर इज 9820370116। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी किसी को चाहिए होगा तो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, सारे के सारे सॉफ्ट टॉय हैं, और सॉफ्ट टॉय में के बीच में एक छोटी सी लिटिल सी लड़की है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है। अच्छा, मैं 19 साल की हूँ। अच्छा, मानसी जी आप 19 साल की हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया।
और सामने इतने सारे रंग बिरंगे टॉयज दिख रहे हैं, ये आपने कहाँ से बाई करके लेके आई हैं? ये मैंने खुद बनाए हैं। क्या बात कर रही हैं? ये सारा क्रोशे से बना है। अरे क्या बात है, ये आपने खुद से बनाया हुआ है? हाँ जी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, लग तो रहा है कि कहीं से आपने बाई किया होगा और यहाँ पर आपने स्टॉल लगाया हुआ है। जितनी चीजें दिख रही है सब खुद आपने बनाया हुआ है? हाँ जी। ये बनाने में कितना टाइम लग गया? बहुत टाइम लगता है, सो यूजुअली टाइम के हिसाब से ही सेट माय प्राइसेस कि मतलब जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रॉबेरी बनाने में कितना टाइम लग गया? तो लगभग 1.5 hours, 2 hours तो लग जाते हैं। 2 hours में बना देते हो आप? मुझे लगा आप बोलने वाले हो 1-1.5 months के आसपास लगेगा उसको बनाने में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। और इसके साथ और क्या क्या चीजें हैं? तो जैसे ये पिल्लोज हैं, स्ट्रॉबेरी पिल्लोज, ये भी, बाकी ये सॉफ्ट टॉयज हैं, एंड ये मेरे पास शोल्डर बैग्स टाइप हैं सारे, ऐसे पहनने के लिए। ये तो बहुत कूल है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये सारी, ये पोटली है। हाँ। तो इसको ऐसे करके ये ऐसे टाइट हो जाती है। वाओ, लहंगे वहंगे के लिए तो परफेक्ट चीज है। yes. तो ये भी हो सकता है। एंड ये कैमरा पाउच है, कैमरा वॉलेट है। हाँ, तो ये इसके पीछे बटन भी बनाया मैंने, तो ये बंद हो जाता है, तो इट्स लाइक अ कैमरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें, और कीरिंग भी आपने बनाया? यस, ये सारी कीरिंग्स है, एंड मेरे पास क्लिप्स भी हैं, तो दीज ये क्लिप्स हैं सारे। अरे वाह, ये भी बटरफ्लाई क्लिप्स। तो जितने भी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं वो सारे के सारे थॉट्स आप ही ने मतलब सोचा कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है, ये ऐसा? ओवर टाइम जैसे 6 months से बना रही हूँ मैं ये सब, तो फिर यूट्यूब से देख के, बाकी ऐप्स में से ढूंढ ढूंढ के थोड़ा कि कुछ कुछ आइडिया खुद आ जाते हैं कि ये देख लिया तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, इसका कुछ ऐसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बना दी। तो ये मेरे ख्याल से ये तो एक तरह से सैम्पल ही लेके आया होगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ बनाया होगा आपने। वैसे मैं खुद बनाती हूँ तो इतना भी कुछ नहीं बन पाता, तो जितना आई वुड से है मेरे पास वो सारा इधर ही है। अच्छा, कैसा रिस्पांस है? लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कैसा रिस्पांस अच्छा है? मतलब कुछ लोग हैगलिंग करते हैं बट वो ज़्यादा नहीं है, अप्रिशिएट करते लोग कि कितना अच्छा बनाया है, कितनी यंग हो फिर भी बना लेती हूँ। मैं बहुत सारी जगह जाता रहता हूँ और अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम और बहुत सारी चीज़ें मैं कवर भी करता हूँ, बट लेकिन ये ना बिल्कुल यूनिक हो रहा है मेरे लिए। थैंक यू। ये नहीं दिखता मुझे कहीं भी किसी ने ऐसा कुछ बनाया हो, तो बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक कंपनी फॉर्म करें और इसको और आगे लेके जाएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर इसके साथ साथ कई सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ क्लोथिंग का काम चल रहा है और मेरे ख्याल से और कई सारे टोपियारीज हैं जो यहाँ पर क्रिएट करके रखे गए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाय मैम। हेलो, आई एम पूनम सिंगी, आई एम अ ब्रांड कॉल्ड बूटा। सो बेसिकली हमारे पास आपको हर तरह के गिफ्टिंग प्लांट्स मिल जाएंगे, एंड आई हैव ट्रे गार्डन्स एंड मिनीचर गार्डन्स, जेड टोपरी, साइकस, बॉन्साइज, शिव परिवार, सो आई हैव एवरी रेंज एंड एवरी काइंड ऑफ गिफ्टिंग आइडियाज। ओके, सो आई डू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑल्सो, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन गो टू माई पेज कॉल्ड buta.in एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और कोई फोन नंबर कोई सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, यू कैन एवरी माई फोन नंबर इज ऑल्सो देयर ऑन माई पेज, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम। यस। ओके, तो एक और स्टॉल दिख गया है हमें और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है मैम। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, जो प्लांट्स बेच रही हैं उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। मैं एक्चुअली अपने घर में ही टेरेस पे ये सारी चीज़ें ग्रो करती हूँ। अच्छा। और सब नेचुरली ग्रो हैं, हमारा टेरेस गार्डन है। हाँ। उसमें ये देखिए मैंने खंगड़ में ये जो रॉक है उसके अंदर प्लांट्स ग्रो किए हैं और सब वेल रूटेड हैं, 2-2 years पुराने हैं। अच्छा। और ये इंडोर में आप ट्रे गार्डन्स की तरह आप रख सकते हैं। क्या बात है मैम, और उसमें इसकी मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा बस वाटर करना है, स्प्रे करना है वाटर। हाँ। इस प्लांट में ये है कि आपको इसमें भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। हाँ। इसको खाली थोड़ा स्प्रे करना है और आप बैम्बू में, नेचुरल बैम्बू में ग्रो हुआ है। हाँ। और पर्पल हार्ट्स नाम है इसका प्लांट का। बहुत बढ़िया।
और जेड प्लांट के साथ देख रहा हूँ आपने बहुत सारी चीजें की हुई है। आप देखेंगे कितने हेल्दी हैं, दे आर ऑल वेल रूटेड। इसके अंदर आप यही ट्रे, आप जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप अंदर रख लीजिए, अदरवाइज ये सन लविंग प्लांट है। और जब बहुत गर्मी पड़ी थी दिल्ली में तब भी ये प्लांट इस नहीं डाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, अदर्स सब विदर हो गए थे। बट इसको आप कहीं बाहर जा रहे हैं अगर 15-20 दिन पानी नहीं भी देंगे तो वो सर्वाइव करता है, चल जाएगा। हाँ जी, बहुत। और एक्चुअली इनका सॉइल मिक्सचर जो है इसमें हम वर्मी कम्पोस्ट डालते हैं, ये भी हम खुद ही बनाते हैं। और वो ये देखिए नीचे बनाते हैं, एंड मैंने पूसा इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी, उसी से ये मैं वर्मी कम्पोस्ट बनाती। अच्छा, बहुत। और ये काउ डंग हम लाते हैं और उससे बनते हैं। तो ये तो कहीं आपने कहीं एरिया लिया होगा वहाँ पर? नहीं, एरिया नहीं, हमारे अपने टेरेस पे ही सब कुछ होता है। टेरेस पे ही कर रहे हैं, तो उसी में करते हैं। और फिर ये देखिए लूफा है, नेचुरल लूफा है। इसको आप नेचुरल स्क्रबर की तरह यूज कर सकते हैं, आप प्लास्टिक या किसी को नहीं यूज करें, और इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी स्किन पे। बहुत प्यारा है। और इसके साथ ये दिख रहा है पान है, ये पान मैं कुछ हर्बल प्लांट्स भी ग्रो करती हूँ, उसमें ये बनारसी पान है, तो ये इनको ग्रो करके फिर हम ये कोकोपीट में है क्या? हाँ, ये कोकोपीट है, बिकॉज पान को ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, बिना ह्यूमिडिटी के ये नहीं चलेगा, तो उसने वो कोकोपीट के अंदर ग्रो किया। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें। हाँ, और ये तुलसी है। हाँ, तुलसी है और हर्बल प्लांट्स और भी हैं, ये सब सेक्यूलेंट्स है। एक्चुअली सेक्यूलेंट्स को जो है ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से ग्रो करा सकते हैं। ये वाटर प्लांट्स है। अच्छा, ये प्लांट्स, ये इसके अंदर ये वाटर कैबेज है, वाटर कैबेज है। और ये तो आप वाटर गार्डन अगर क्रिएट करना चाहते हैं विद फिशेज एंड ऑल, तो वो वाटर प्लांट्स आप लगा के उसको। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहें? हाँ, मेरा नंबर है 9811027210। थैंक यू सो मच मैम। मैं लगातार कई सारे स्टॉल्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पर आप क्लॉथ से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, और ये भी यहाँ पर सेल आउट हो रही है। यहाँ पर और प्लांट्स आके ढेर सारे यूनिट 6 टेबल में 6 पर आ चुका हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर थोड़ा अगर आ जाता हूँ तो यहाँ पर गिफ्टिंग आइटम्स वगैरह भी मिल रही हैं बहुत सारी। ये देखिए कैंडल्स वगैरह भी हैं, और इधर आ गए अपने पॉट्स वगैरह भी हैं, और भी यहाँ भी दिख रहे हैं कि इतने सारे छोटे छोटे प्लांट्स। एक और स्टॉल दिख गया। और मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। ओके, एंड आई हैव कम टू दिस थ्रू दिल्ली ग्रुप व्हाट्सएप चैनल ओनली। अच्छा, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट आपके कारण पता चला अनिश जी। सो बेसिकली आई एम अ होम प्लांटर, मैंने कभी स्टॉल्स नहीं लगाए। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है? या मैंने कल एक लगाया था अपनी सोसाइटी में, सहारा ग्रेस में। हाँ, और आज ये सेकंड है। हाँ, एंड दीज आर ऑल लाइक माय होम ग्रोन प्लांट्स, प्रोपोगेट किया हुआ है। अच्छा, ये सारे घर पे बनाए हुए हैं? ये सारे घर पे बने हुए हैं। दिस आल्सो। अच्छा, इधर भी है? या तो बहुत कुछ लेके आए हुए हैं आप तो। इनफैक्ट मेरे घर पे अभी काफी हैं, जो कि मैं यहां पे तो स्पेस नहीं थी। हाँ, सो आई हैव सम बोनसाइज, दीज आर ऑलमोस्ट लाइक 7 साल पुराना है, ये 5 साल पुराना है। ओके, ये रूट ओवर रॉक है, दिस इज अ फाइकस बोनसाई, दिस आई हैव परचेस्ड। अच्छा, ठीक है। ये भी मेरा होम ग्रोन है, ये भी होम ग्रोन है। क्या बात है मैम, तो ये बहुत सारी चीजें आप लेके आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्टॉल आप ही का होगा यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। और ये सारे के सारे होम ग्रोन ही है? होम ग्रोन है, दिस इज ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट अ 5-year-old प्लांट। तो आप सेल भी कर रही हैं? या अब कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं किया था, अब कर रही हूँ। अच्छा, अगर किसी को कुछ चाहिए तो आपको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? कोई फोन नंबर अगर देना चाहेंगी तो? या आई हैव माई दिस थिंग, आई हैव रिसेंटली नेम्ड इट एज लाफिंग लीव्स। बहुत बढ़िया, एंड I'll put it online. हाँ, या मैं नंबर बता देती हूँ। हाँ, नंबर बता दीजिए। On the back side there's the number. आप एक बार नंबर मुझे बता दीजिए। 9899 11 77 483 483। And I'm from Gurgaon. Gurgaon से ही है? Yeah. तो आपसे अगर किसी को चाहिए हो तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, इतने सारे ऑप्शन हैं उनके पास। Anytime. और बोनसाई इंडोर्स एंड सकुलेंट्स। तो या फिर विजिट करके भी ले सकते हैं आपसे? विजिट करके भी ले सकते हैं, इसमें एड्रेस है। हाँ, तो एक और स्टॉल दिख गया है बहुत ही अच्छा सा। तो मैम जुड़ी है, मैम क्या नाम है आपका? मैं नीना। ओके, मैं पिछले 50 साल से इस यज्ञ से जुड़ी हुई हूँ। कौन से यज्ञ है? ये वेदों की बताई हुई यज्ञ की सबसे छोटी विधि है। ओके, बाकी यज्ञ जो है वो नैमित्तिक है, कि नित्य यज्ञ, नित्य रोज करा जाने वाला यज्ञ है। हाँ, और वातावरण की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए। ओके, हम हमारी वातावरण की शुद्धि, हम हमारे घर की हर चीज की सफाई कर लेंगे, लेकिन हम हवा को साफ कैसे करेंगे?
करेंगे वो उस एक बहुत ही छोटा सा वैदिक विधि कह सकते हो आप, जिसका कि 1963 में हम माधव आश्रम है भोपाल में जहाँ से ये पोदार साहब है 1963 में 22 फरवरी को ये विधि विलुप्त विधि वापस से पुनर्जीवन का कार्य ये हुआ है और हम इसको बेटर लाइफस्टाइल और फिजिकली मेंटली इमोशनली आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, अच्छा अग्निहोत्र से रिलेटेड कृषि आप कैसे कर सकते हो, अग्निहोत्र से ये जो फल और फूल आप ले रहे हो 95% पौधा वातावरण से लेता है, तो हमारा काम है वातावरण को शुद्ध रखना। अगर आप कह रहे हो कि एयर प्योरीफायर से आप एक रूम प्योरीफाई करते हो, हम कहते हैं कि अग्निहोत्र से आप 1 किलोमीटर तक का एयर प्योरीफाई करते हो, हेल्थ का पोल्यूशन। This is the perfect and only remedy you are, we are और इसके बारे में कोई और जानना चाहे और थोड़ा ज्यादा इसके लिए क्या कर सकता है कोई, सब्सक्राइब कर सकते हो YouTube चैनल माधव आश्रम का, मेरा नंबर ले सकते हो 9909393966 तो आपको कॉन्टेक्ट, क्योंकि मैं कुछ भी किताबों का ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैंने इसकी मेडिसिनल वैल्यूज देखी है कि मैं इसको मेडिसिनली कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं इसको सॉइल बेटरमेंट के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं इसको वाटर प्योरीफाई के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, ये सारे मेरे खुद के अनुभव है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच मैम इतना कुछ शेयर करने के लिए। तो एक और स्टॉल दिख गया जहाँ पर ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, अभी लोग हटे हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सर क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम है हरजस मनराल, आई एम द ब्रांड मैनेजर विद इफको अर्बन गार्डन। अच्छा, इफको के प्रोडक्ट्स? यस, सो वी आर ऑल अवेयर ऑफ द ब्रांड इफको अर्बन गार्डन, अ वेरी नोन नेम इन द अर्बन गार्डनिंग स्पेस। सर थोड़ा अगर हिंदी में बोल देंगे तो मजा आ जाएगा। तो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है अर्बन गार्डनिंग स्पेस में, इफको अर्बन गार्डन। हमारा मोटो है कि अर्बन गार्डनिंग को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, किस तरह से उसको ईज़ किया जाए कंज्यूमर्स जिनके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट्स है, जो छोटी कन्फाइंड स्पेसेस में अपना गार्डनिंग की हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए वी हैव गॉट द इंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सेसरीज, राइट? एज यू कैन सी हमारा राइट फ्रॉम द न्यूट्रिशन टू प्रोटेक्शन प्लांट एक्सेसरीज एंड मच मोर, मतलब और भी बहुत सारा एंटायर रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सारा अर्बन गार्डनिंग स्पेस को टारगेट करते हुए बनाया। कुछ जो खास प्रोडक्ट जो आप मुझे दिखाना चाहेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट देखिए ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचाया हुआ है, तो कुछ वैसा कोई प्रोडक्ट हो तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है सी सीक्रेट। अच्छा, दिस दिस सी सीक्रेट इज बेसिकली ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो कि ऑब्वियसली आपका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कोई भी प्लांट को। मतलब जैसे प्लांट में आप इसको हम अगर मैं आम भाषा में बोलचाल की भाषा में कहना चाहूँ तो ये प्लांट्स के लिए ये चमनप्राश का काम करता है। अच्छा। जिस तरह से हम लोग चमनप्राश अपनी हेल्थ अपनी वेलबींग को बूस्ट करने के लिए कंज्यूम करते हैं, उसी तरह से सी सीक्रेट प्लांट्स के लिए पौधों के लिए चमनप्राश का काम करता है, एक्सटेंडेड रहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आप काफ़ी लंबे समय तक इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और कोई अगर मंगवाना चाहे तो आपसे कैसे मंगवा सकते हैं? देखिए हमारा खुद का वेबसाइट है जहाँ पे आप डायरेक्टली रीच आउट करके मंगवा सकते हैं, उसके अलावा वी आर देयर ऑन अमेजोन एज वेल, ठीक है, उसके अलावा पैन इंडिया हमारा नर्सरीज में हमारे प्रोडक्ट्स आपको सारे इजीली मिलेंगे। अच्छा, बहुत इजीली आपको हमारे प्रोडक्ट्स हर नर्सरी में जो भी नामी ग्रामी नर्सरीज हैं पैन इंडिया, तो सारे हमारे प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।